केंद्र सरकार द्वारा पेश आम बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बजट को झारखंड के साथ भेदभाव करने वाला बजट बताया है। आपको बता दें कि दुमका में झारखंड की सत्ताधारी दल के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। झारखंड दिवस मनाने के लिए जुटे झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह खिलौना जैसा बजट है। ये पूरा बजट केवल और केवल रैपिंग है। झारखंड को ठगा गया है, छला गया है और कोई बात झारखंड के विषय में, चाहे यहाँ के रेल विस्तार के विषय में, यहाँ के संसाधन के विकास में, यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र में कोई भी बात की चर्चा नहीं। वहीं झामुमो के कद्दावर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कहा कि झारखंड के लिए केंद्र ने इस बजट में कुछ नहीं दिया है। ये बजट जो है गरीब के लिए नहीं है, झारखंड के लिए विशेषकर हम लोगों के लिए कुछ नहीं मिला आज तक। हम लोग पिछले दिनों भी देखा है कि जो हम यहाँ के लिए योजना, सेंट्रल की योजनाएं हैं, यहाँ के लोगों को लाभ मिलता वो नहीं मिलता रहा। उसमें हम उदाहरण स्वरूप बोलते हैं, अभी सुखाड़ की वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने में पलायन हो रहा है। उस पलायन में भी आज देखते हैं कि केंद्र सरकार को जो नरेगा में रोजगार के लिए देना चाहिए पैसा वो नहीं दे रहा है। मटेरियल पेमेंट कंपोनेंट नहीं है। उस तरह से पीएम योजना जो राशन पानी का है, ग्रीन कार्ड का, उसका भी नहीं मिल रहा है। इसलिए देखते हैं कि बजट में चाहे जो दिखा दे, लेकिन झारखंड के हित में ये बजट नहीं दिखता है जो हम लोगों को अखबार में देखने को मिलता है। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए